गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जन्म जयंती के अवसर पर म्यूजियम अवलोकन के लिए पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने जनता से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा स्वीकृत किए 18 करोड़ की लागत से श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मेमोरियल म्यूजियम का कार्य जारी है, जिसके अवलोकन के लिए जनता के सुझाव के साथ यहाँ महापुरुषों के 16वीं शताब्दी में जन्म लिए गुरुजनों के क्रियाकलापों को भी म्यूजियम में सजोया जाएगा, जिससे देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी बुरहानपुर पहुंचेंगे। ये जब परिकल्पना इनको बताई दीदी को, तो इसके लिए पहली बार में ही एग्री हो गई, और जब मैंने उनको डिजाइन बना के दिखाया तो उनको बड़ा पसंद आया। आखिरी में इन्होंने वो दिल्ली जाके इसको अप्रूव करवा के लाई, बहुत उनका सहयोग रहा। इसकी लागत करीब 17 करोड़ के आसपास सिविल वर्क की लागत है, और फिर इंटीरियर की लागत अलग आएगी, जिसके लिए कार्य चल रहा है। ये अगले साल तक खत्म होने की पूरी संभावना, दिसंबर तक 2024 दिसंबर तक खत्म होने की पूरी संभावना। जी जी जी। आपका नाम? मैं समीर दीक्षित, इसका वास्तुविद। मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, अपने बुरहानपुर नगर की ओर से बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि जिस सांस्कृतिक अभ्युदय की हम बात कर रहे हैं, कि हम देश को उसकी कल्चरल पहचान को सुदृढ़ करने के लिए हम देख रहे हैं सब तरफ चारों ओर काम हो रहा है, उसी दिशा में एक बड़ा काम हमारे बुरहानपुर में हो रहा है। और अपने बुरहानपुर में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ जाते हुए 6 माह 9 दिन रुके, और जहाँ माननीय गुरु गोविंद सिंह जी 10वें सिख गुरु जहाँ रुके और यहाँ से नांदेड़ गए, वहाँ पर भारत सरकार द्वारा लगभग 18 करोड़ का म्यूजियम स्वीकृत हुआ। बीच में जब सरकार बदली तब वो फाइल रोक दी गई।